हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभिक, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैंने दिखाऊंगा जो कितना टर्न लेने के लिए आपको स्टीयरिंग कितना बार रोटेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं भी ये नहीं बोल पाऊंगा तो जो कितना घुमाना पड़ेगा स्टीयरिंग को, ये ऐसा कैसे करते हैं जितना आपको टर्निंग। सोचिए, इधर पे 90 डिग्री टर्न है तो आप लोग देख लीजिए। मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूं, धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूं और हो गया। बस मैंने सीधा कर लिया। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब आपको टर्न लेना पड़ता है ना, उसी टाइम में आपको धीरे धीरे टर्न लेना पड़ता है, धीरे धीरे स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। उसके बाद जब आपको टर्न लेना हो जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग को ये दिखाऊंगा। सोचिए, आपने कोई कार रुके है, ठीक है, तो उसी टाइम में आपका स्टीयरिंग, सामने वाला व्हील बाएं की तरफ कटे है या दाहिने की तरफ कटे है, ठीक है। ये आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले स्टार्ट करने के बाद आप लोग जानते हैं जो है आपका बाएं की तरफ व्हील कटे है कि नहीं तो दाहिने की तरफ कटे है, ठीक है। तो ये सही करने के लिए मीन्स सामने वाला व्हील सीधा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए पहले मैं दिखा लेता हूँ मेरा व्हील किधर पे है। बाएं की तरफ कटे है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक जो मेरा जो स्टीयरिंग है से एक पूरा से पूरा एंड तक मैं घुमा लूँगा, ठीक है। मैं पूरा से पूरा एंड तक घुमा लिया, ठीक है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद मैंने क्या करूँगा, इसको सीधा कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद पूरा से पूरा एक राउंड ले लूंगा, ठीक है। अभी देख लीजिए मेरा व्हील पूरा से पूरा सीधा है, पूरा से पूरा सीधा है, ठीक है। और एक बात देखा तो हो, आप लोग देखिए, मैं पूरा से पूरा इधर बाएं की तरफ एंड तक ले लिया, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए बाएं की तरफ है, तो अभी क्या करूंगा, मैंने इसको सीधा कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर और एक राउंड दे दिया, ठीक है। अभी देखिए पूरा सीधा हो गया, पूरा सीधा। तो टर्निंग पॉइंट जैसा है उसी हिसाब से आपको टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं सामने और भी एक प्लेस में जाके आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए, इधर पे एक 90 डिग्री टर्न है, ठीक है। तो इधर में मैंने घुसा के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने धीरे धीरे टर्निंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखिए, मैंने धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एंड हो गया है, एंड हो गया, ठीक है, स्टीयरिंग एंड हो गया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पूरा से पूरा ले लिया। उसके बाद मैंने बैक गियर डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने पीछे देख लूंगा कोई कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने फिर एक ऑटो आ रहा है, ठीक है, ऑटो निकल गया। फिर और एक भी ऑटो आ रहा है, एक बाइक आ रहा है और एक साइकिल भी आ रहा है, ठीक है। मैं फिर क्या करूंगा, स्टीयरिंग को सीधा कर लूंगा। उसके बाद मैंने फिर मैंने बाएं की तरफ ले लूंगा, क्योंकि मैंने दाहिने की तरफ पूरा व्हील रोटेट कर दिया था, इसलिए मैंने बाएं की तरफ थोड़ा करके सीधा कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए, जिधर पे आपको व्हील घुमाना चाहिए, ठीक है, टर्न लेना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है, ठीक है। मैं सामने फिर आपको दिखाता हूँ सामने जाके, ठीक है, जो आपको कितना स्टीयरिंग घुमाना चाहिए रोटेट करने के लिए। हाँ, तो देखिए सामने टर्न है, तो मैं किधर घुमाऊंगा, कितना टाइम, थोड़ा घुमा लिया, फिर सीधा कर लिया। उसके बाद देखिए राइट पे टर्न है, तो मैंने थोड़ा टर्न लिया, ठीक है, थोड़ा सा टर्न लिया। उसके बाद मैंने सीधा कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 90 डिग्री टर्न लूंगा दाहिने की तरफ, ठीक है। देखिए मैंने कितना घुमाऊंगा,
कितना घुमाया आपने देख लिया, ठीक है। फिर मैंने सामने एक छोटा सा चट्टान है, देखिए मैंने कितना टर्न लूंगा, थोड़ा सा, ठीक है, सीधा कर लिया। मैं फिर बाएं की तरफ थोड़ा टर्न लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने दाएं की तरफ टर्न लूंगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ये मैं कैसे स्टीयरिंग को मैंने टर्न ले लिया। इसके बाद मैंने फिर बाएं की तरफ टर्न लूंगा, मैं सीधा कर लिया, ठीक है। मैं फिर डाने की तरफ टर्न लूंगा। देखिए मैं जिधर में जितना रोटेट करना है मैं उतना ही कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर पे देखिए मैं फुल फुल रोटेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए मैं धीरे धीरे स्टीयरिंग को जितना करना चाहिए, जितना मुझे को घुमाना चाहिए उतना ही घुमा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने फुल रोटेट कर लिया। उसके बाद मैंने सेकंड गियर रिवर्स दे दिया, उसके बाद घुमा लिया, मैंने पूरा एंड तक घुमा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बाएं की तरफ ले रहा हूं उधर जाने के लिए, ठीक है। तो मैंने इधर ले लिया, देखिए आप लोग सिर्फ मेरा स्टीयरिंग के ऊपर नजर रखिए, ठीक है। मैं कैसे करके कार को घुमा रहा हूं वो आप लोग सिर्फ नोटिस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर इधर से कार को घुमा लूंगा, एंड तक ले लिया मैंने, देखिए हो गया, फिर सीधा कर लिया मैंने, ठीक है। तो कैसे करके मैंने घुमा रहा हूं वो आपसे सब दिखा रहा हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप लोग स्टीयरिंग को कंट्रोल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू दोस्त, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।